देहरादून में आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल मालिकों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के TMS पोर्टल में जो दिक्कतें आ रही थी उसे अब दूर कर लिया गया है और लंबे 3 महीने के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस विषय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के क्लेम मैनेजमेंट निदेशक VS टोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2-3 माह से राज्य के कई अस्पतालों का 75 करोड़ के करीब का भुगतान नहीं हो पाया था और भुगतान न हो पाने की वजह से TMS पोर्टल में तकनीकी खराबी बताई गई थी। अब तकनीकी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं और भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस नए वर्जन के को लागू किया था जो कि भारत में कुछ राज्यों में था जिसमें उत्तराखंड भी एक राज्य था। लगभग आज की तारीख में हमारे पास 35-35 हजार से ज्यादा क्लेम इस जो तकनीकी दिक्कतें आई थी उसके कारण लंबित हुए थे और जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी भुगतान की प्रक्रिया चालू हो गई है और अस्पतालों को भुगतान होना प्रारंभ हो गया। कुछ आंकड़ा सर अस्पतालों का कितने ये सभी के अस्पताल है जो आयुष्मान में तो जो भी 10 अस्पताल सारे अस्पतालों के क्लेम्स है ये कि किसी एक अस्पताल में सोचते कि क्लेम पोर्टल पर आधारित है तो पोर्टल सभी अस्पतालों के लिए वो दिक्कतें उन अस्पतालों को आई। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अस्पताल आश्वस्त रहे, कोई धनराशि या बजट की कोई समस्या नहीं, उनके जो भी ड्यूज है क्लेम्स के सापेक्ष जो धनराशि यहाँ पर है उनको नियमानुसार उनको भुगतान कर देना है।